हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम पाठक ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन। जिसका बेस 11th में है और 12th में थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो मैं आपको डिफरेंशिएशन पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ इसका, फिर मैं 12th क्लास का स्टार्ट करूँगा इसमें। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे थोड़ा और मोटिवेट हूँ और मैं वीडियो बनाऊँ 12th क्लास की। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव होता है हमारा रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। जैसे क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू x², तो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव करो। तो इस डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा कि x के होने से y में क्या चेंज आया। ठीक है, जैसे x अगर 1 होगा तो y में क्या चेंज आएगा। अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 होगा तो y 4 होगा। ये तो हमने एक बेसिक है, ये मतलब ये तो बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, लेकिन अब हमें डेरिवेटिव के हिसाब से निकालना है इसको। तो कैसे करेंगे अब देखते हैं। तो पहले हम डेरिवेटिव को तो इससे डिनोट करते हैं dy/dx, मतलब x के होने से y में कितना चेंज आया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास y इज इक्वल टू x², तो हम लिखते हैं इसको, और कैसे लिख सकते हैं y डैश, इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूले बता देता हूँ आपको इसके, कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, क्यों होगा, सब मैं पहले अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फॉर्मूलाज, ठीक है, तो इसमें होता है हमारा, पहले मैं बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ इसमें, जो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था। जैसे y इज इक्वल टू x², अगर किसी की पावर होती है तो हम क्या लिखते हैं उसको, यहाँ इसको तो लिखेंगे dy/dx, इधर लिखेंगे, पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 2x। इसको हमने 2x क्यों लिखा, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। 2x इसलिए लिखा है, जब भी पावर का कोई डेरिवेटिव करने के लिए आ जाए तो हम पावर को नीचे लिखते हैं, फिर उसके ऊपर हम 2-1 कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, जैसे y इज इक्वल टू x^n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम इसे डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू nxn-1, ये फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। अगर पावर में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक। अब मैं थोड़े और फॉर्मूले लिखवा देता हूँ इसके, ये एक था थोड़ा ये इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था पावर वाले को, अब बाकी तो इजी है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव अब यूँ लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में होगा इसका कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊँगा कैसे लर्न करना है इसको। 10x का डेरिवेटिव होगा sec²x, उसके बाद sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x, उसके बाद होगा cot x माइनस cos x²x, उसके बाद cosec x
का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये हमारे फॉर्मूले हैं। ये तो होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे डेरिवेटिव के। अब इसके बाद आता है एट्थ फॉर्मूला हो गया हमारा, जैसे अब अलग टाइप के जो होते हैं, जैसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय एक्स, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा, सेम होगा इसमें। टेंथ हो गया हमारा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ही अगर हम निकाल रहे हैं, इसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वन होगा इसका आंसर। और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो ज़ीरो, जैसे फाइव का डेरिवेटिव ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अब इनवर्स के फॉर्मूले में, जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री के तो हमने सीख लिया डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं, अब अगर आ जाए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो वन बाय वन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आएगा कि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो माइनस लग जाएगा। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा ये सब कैसे याद करना है, अभी लर्न मत करो, अभी देखो बस। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आएगा कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव, तो इसमें माइनस लग जाएगा। उसके बाद आएगा 16 है सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, वन अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। और लास्ट है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारा माइनस वन बाय एक्स फिर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारे फॉर्मूले हैं और ये दो डेरिवेटिव के रूल होते हैं, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, आपने पढ़ा ही होगा, ये तो पढ़े ही होंगे। जैसे अगर आ जाए u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होगा, u डेरिवेटिव इंटू वी प्लस u इंटू वी डेरिवेटिव। और एक होता है u बाय वी डेरिवेटिव का क्या होगा, u डेरिवेटिव v माइनस u वी डेरिवेटिव अपॉन में v स्क्वायर। इसको ऐसे याद करना है आपको, मैं बता देता हूँ ट्रिक, यू वी का डेरिवेटिव यू डैश वी प्लस वी डैश यू, इसे डैश हम दे सकते हैं नाम जब तक के लिए, याद करने के लिए फॉर्मूला यू डैश वी प्लस वी डैश यू। और यू बाई वी का डेरिवेटिव यू डैश वी माइनस यू यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन में वी स्क्वायर, ऐसे आपको फॉर्मूला याद करने, ये बेसिक है। अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ थोड़े बेसिक लेवल के, अगर आप न्यू अभी अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो। जैसे ये क्वेश्चन आया हमारा, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, डेरिवेटिव करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। और अगर कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन मतलब एक्स के टर्म्स में कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट के साथ अगर कोई भी फंक्शन हो तो डेरिवेटिव फंक्शन का करेंगे, कांस्टेंट वैसे का वैसा ही रहेगा, ए वैसे ही रहेगा। और मैंने क्या बताया था अभी, एक्स क्यूब का क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, ऊपर से पावर वन माइनस हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया अभी। अब दूसरे में क्या होगा, कॉन्स्टेंट है, ए बी सी डी जितने भी होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, एक्स और वाई को छोड़ के, एक्स वाई जेड को छोड़ के। अब यहाँ पे ए बी सी है तो ये सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन होगा तो फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन का करेंगे, कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया 2x, 2 में से 1 माइनस हो गया। फिर अब आया c और x, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव 1,
और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस डी बाई एक्स। अब इसका बताओ, देखो कांस्टेंट इसको हम लिख देते हैं, डी बाई एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, डी इंटू वन बाई एक्स, डी कांस्टेंट है, डी सेम रहेगा। अब वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका आप याद कर लो, वन बाई एक्स का होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। जब क्वेश्चन ट्रू लगाओगे तो ये आंसर आएगा, इसलिए पहले याद ही कर लो, ये बहुत जगह यूज़ होता है ये 12th में। तो अब हम और आगे क्वेश्चंस करते हैं, ये आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लो, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। इन सबको कैसे करना है, पहले इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेना, उसके बाद डेरिवेटिव करना, और क्यूब वालों को भी ऐसे ही, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेना, इसमें क्वेश्चन रूल। और ये तो सिंपल है, डेरिवेटिव करना है, ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना। ये थोड़े क्वेश्चन से लिख लो, ठीक है। ये है 3 tan x माइनस 4 cosec x प्लस 1/x^5, ठीक है। और ये 3 है, ये 3, ये 5, ये 2 7 √x, और ये है x³ प्लस 3 x प्लस 3 3। ये क्वेश्चंस है, और ये आप सोच रहे होंगे कि कैसे करना है 3 x, और 3 x का डेरिवेटिव अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये एक फॉर्मूला मान लो आप इसको, कि a^x का डेरिवेटिव क्या होगा। a^x मतलब a कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की पावर अगर फंक्शन होती है कोई, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a^x इंटू में log a, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या था अभी, 3 x का डेरिवेटिव 3 x इंटू log 3, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये आप एक बार देख लो। अब हम थोड़े 12th के क्वेश्चन कर लेते हैं, 12th के बेस पे। अब प्रोडक्ट रूल के बेस पे कर लेते हैं, क्योंकि 12th में प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्क्स कट जाते हैं, हाफ मार्क्स। तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि जब दो फंक्शन एक मल्टीप्लाई में हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है, और दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हो तो क्वोशेंट रूल। तो इसमें क्या होगा, इसे यू मान लेते हैं, इसे वी, यू डैश मतलब पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहेगा, अभी बताया था मैंने, और साइन एक्स सेम आ जाएगा, यू डैश वी हो गया, प्लस अब यू इंटू में वी डैश करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स का, अभी बताया था कोस एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर दो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ऐसे होता है ये क्वेश्चन। अब हम और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े हाई लेवल पे आते हैं। अब वाई इज इक्वल टू √x log x² लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग के साथ एक्स रहेगा, ये लॉग एक्स के साथ स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स के साथ स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब ये दो फंक्शन है, क्योंकि दोनों जगह एक्स है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल, ये यू हो गया, ये वी, पहले यू डैश, पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, √x का डेरिवेटिव क्या हो सकता है, √x मतलब 1/2 x^1/2, और इसका डेरिवेटिव अभी मैंने बताया था, अगर फंक्शन की पावर कोई कुछ होती है तो पहले वो आ जाता है, उसके बाद उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ऊपर x^-1, x^-1। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 x^-1 इंटू में वी सेम आ जाएगा, लॉग x² प्लस यू सेम रहेगा। अब वी का डेरिवेटिव करेंगे, लॉग x² है, क्या होगा इसका, लॉग x का मैंने डेरिवेटिव बताया था 1/x, ठीक है। तो
इसका हो जाएगा 1/x², क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log x square का 1/x² इंटू में 2x करेंगे, क्योंकि ये चेन रूल है। चेन रूल होता क्या है, अगर जैसे log x² है तो पहले log का डेरिवेटिव करेंगे फिर x² का करेंगे। पहले log x² का log का करेंगे तो क्या होगा 1/x², और x² का करेंगे तो 2x, तो x एक x कट गया तो 2/x आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इनडायरेक्टली क्या लिख सकते थे, 2/x। समझ आया? चेन रूल मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। चेन रूल में और क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है साइन x² का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx इक्वल टू, पहले साइन का करेंगे तो क्या होगा कॉस, इस ये तो एंगल है इसके साथ आएगा ही है, इन टू में x² का करेंगे तो 2x। मतलब एक एक करके सबका करते हैं, पहले फंक्शन का फिर x का, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरे का करते हैं हम डेरिवेटिव, इसे चेन रूल बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया y = cos²x, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, पहले 2 बार cos x लिख देते हैं, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल टू, पहले cos x करेंगे, u का करेंगे तो -sin x, v सेम रहेगा, फिर u सेम रहेगा, v का करेंगे -sin x, तो ये क्या हो गया -sin x cos x -sin x cos x, क्योंकि इनटू में है तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो -2sin x cos x, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2sin x cos x क्या होता है, sin 2x, ठीक है। अब मैं थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ, पहले तो एक आप ये सारे कर लेना, जैसे 10x² का डेरिवेटिव, cot²x का डेरिवेटिव, sec²x का डेरिवेटिव, cos²x का डेरिवेटिव, sin²x का डेरिवेटिव, ठीक है, और cos का तो मैंने करवाई दिया है, ये कर लेना आप एक बार डेरिवेटिव, और थोड़े प्रोडक्ट रूल के भी क्वेश्चन ले लो, जैसे y = x² log x इनटू में y = x^n, n मतलब कॉन्स्टेंट है, सेम ऐसे ही करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट हो गया हमारा x^-n e^x, कोई समझ ना आया तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट में कमेंट कर देना मेरे को। sin inverse x, इन सब में प्रोडक्ट रूल लगेंगे। बस ये 10 questions आपको करने हैं, questions नोट कर सकते हैं आप। अब एक डिफरेंशिएशन में टॉपिक है ट्रिपल प्रोडक्ट रूल। अभी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, लेकिन डबल वाला पढ़ा है, ये ट्रिपल है, मतलब यू वी डब्ल्यू का डेरिवेटिव इसका कैसे होगा, सिंपल है, यू डेरिवेटिव वी डब्ल्यू प्लस यू वी डेरिवेटिव डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू डेरिवेटिव, बस ये फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप, सिंपल है, बस एक एक करके डेरिवेटिव करना है और दो को सेम रखना है, फिर दूसरे वाले को डेरिवेटिव करना है, बाकी दोनों को सेम रखना है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, ऐसा आता नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया x³e^x sin x, 3 फंक्शन है, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर सिर्फ ये होता तो वही प्रोडक्ट रूल लगाते हम, u-v + v-u, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और एक बार हम एक्स क्यूब को करेंगे पहले u डैश, मतलब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x2, और बाकी सब सेम रहेगा। फिर एक बार हम फर्स्ट वाले को सेम रखेंगे, बीच वाले को डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, फिर साइन x सेम। अब पहले के दो सेम रहेंगे, बाकी दोनों लास्ट वाले का डेरिवेटिव साइन x का cos x। तो बस ये सिंपल क्वेश्चन है एक, और बाकी तो आप कर ही लेंगे। और एक क्वेश्चन है, मैं उसको थोड़ा हिंट बता देता हूँ, ये आ सकता है पेपर में, कि अगर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही है, 2x cot x अपॉन में रूट x, ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है। 2x लिखेंगे, इसको cot x, और इसको हम लिख सकते हैं ऊपर लाके x की पावर -1/2, क्योंकि 1x2 होता है, तो हम क्या लिखते हैं पावर ऊपर, अगर उसको ऊपर लाएंगे तो माइनस पावर हो जाती है। ऐसे ही ये भी था 1/√x, 1/√x मतलब 1x2 ऊपर आके x−1/2, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अब इसमें दोबारा ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देंगे, वो तो अब आप लगाना आएगी आपको। फ्रेंड्स मैं अब क्वेश्चन रूल बताता हूँ, इसके थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं अब हाई लेवल के। क्वेश्चन रूल तो मैंने समझाई दिया क्या होता है, यू बाई वी का डेरीवेटिव यू डेरीवेटिव वी माइनस यू वी का डेरीवेटिव अपॉन में वी स्क्वेयर। अब इसके थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले थोड़ा छोटा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ये आ गया फंक्शन अपॉन में फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और इसका क्या होगा, ये हो गया यू, ये हो गया वी। पहले यू का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे बताया यू का डेरिवेटिव यू क्या एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वी सेम रहेगा माइनस यू सेम रहेगा, वी का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और वी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। ये थोड़ा ईजी क्वेश्चन था, आप थोड़ा हाई लेवल पे आ जाते हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स, फंक्शन अपॉन में फंक्शन है, इसलिए क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया यू, ये हो गया वी। तो पहले यू का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नीचे वाला सेम आ जाएगा, फिर माइनस यू सेम रहेगा, वी का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहेगा, और ई की पावर एक्स का नीचे स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन। अब थोड़ा मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ इसी बेसिस पे क्वेश्चन रूल के। फ्रेंड्स तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन रूल के क्वेश्चंस हैं ये सारे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है और बाकी आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ट्रिक इसमें जो मैंने बोला था कि फॉर्मूले की एक ट्रिक बताऊंगा मैं याद करने की, लेकिन भूल गया था मैं। इसको याद कैसे करना है, साइन एक्स का डेरीवेटिव कोस एक्स का डेरीवेटिव, देखो ये सब तो आपको याद ही होंगे, साइन कोस वोस का क्या होता है ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे साइन का कोस, कोस का साइन, ये तो सबसे ईजी है। टेन का sec स्क्वायर, तो कोट का कोस एक्स स्क्वायर, sec का sec x tan x, और cos x का cos x cot x, मतलब 10 में sec स्क्वायर है तो sec में sec और 10 दोनों आएंगे, और cot में cos x स्क्वायर है तो cos x में दोनों आएंगे, ठीक है। और माइनस लगेगा जहाँ पे c है, जो जो c से स्टार्ट है उनके आगे माइनस लगेगा, जैसे cos, cot, cos x, उन सब के आगे माइनस का साइन लगेगा अगर डेरिवेटिव करेंगे तो, ठीक है। और ये इनवर्स वाले, साइन और कोस का सेम होगा डेरिवेटिव, सिर्फ कोस के आगे माइनस लग जाएगा, वही है सेम इधर भी, जो सी वाले हैं उनके आगे माइनस लग जाएगा, और बाकी सेम। देखो साइन और कोस का सेम फॉर्मूला है, टेन और कोट का सेम है, और सेक और कोसेक का सेम है, सिर्फ कोस कोट कोसेक में माइनस लग जाएगा, जो सी सी वाले हैं उनमें माइनस लग जाएगा।
ये इसकी ट्रिक थी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें 12th के बेसिस पे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको और भी वीडियोस मिल सकें। और आप डिमांड भी कर सकते हैं कि ये वाली वीडियो बनाओ, ये वाली वीडियो बनाओ 12th का, कोई भी टॉपिक हो मैथ का, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है तो मैं भी नहीं सोच पाता कि कौन सा टॉपिक पहले बनाऊँ जो बच्चों को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक सर समझा दो जो आपको आ नहीं रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो। थैंक यू फ्रेंड्स।